मुंबई के बोरीवली स्थित चिकुवाड़ी स्थित प्रमोद महाजन स्पोर्ट्स ग्राउंड में श्रीनाथ जी चरित्रामृत कथा का भव्य आयोजन 16 से 22 दिसंबर तक होने जा रहा है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में वैष्णवाचार्य पूज्य श्री व्रज राजकुमार जी विराजमान रहेंगे। कथा की सुबेला पे दिव्य कथा रसपान के साथ पारंपरिक आयोजनों और उत्सवों का आनंद भी मिलेगा। कथा का उद्घाटन व भव्य शोभा यात्रा दिनांक 16 दिसंबर दोपहर 2:30 बजे वृंदावन टावर फिनिक्स हॉस्पिटल के सामने से होकर कथा स्थल तक जाएगी। तो आइए सुनते हैं इस खास मौके पर इस कथा के आयोजक ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। चरित्र कथा का शुभारंभ हो रहा है, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जरा बताइए क्या है, कैसे शुरू हो रहा है, कितने दिन चलेगा? वल्लभादेश की जय। अनंत विभूषित वल्लभ कुलभूषण वैष्णवाचार्य पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री व्रजराज कुमार जी महोदय श्री के श्री चरणों में अपने सबका दंडवत प्रणाम। खूब आनंदनी बात छे के आजे मुंबई बोरीवली मुकामे गांधार परिवारना मनोरथ तन मनोरथ स्वरूपे आजे पूज्यश्री द्वारा आचार्य पीठ पर विराजमान थई अने श्रीनाथ चरित्रामृत कथा નું રસપાન થવા જઈ રહ્યું છે। લોકોનો ખૂબ અનેરો ઉત્સાહ છે, ખૂબ જોરશોરથી તડામાર તૈયારીઓ થઈ રહી છે અને આજે ઘણા વર્ષો પછી શ્રીનાથ ચરિત્રામૃત કથાનો લાભ આપણા સૌ વૈષ્ણવોને મળવા જઈ રહ્યા છે। ગાંધાર પરિવારમાંથી પણ રમેશભાઈ અને આપણા વનિતાબેન સુનિતાબેન અને બધો જ પરિવાર ખૂબ તૈયારીઓ રૂપે ભાગ લઈ રહ્યા છે અને વૈષ્ણવો ખૂબ બહારગામથી બધેથી જ વૈષ્ણવો મોટા પ્રમાણમાં આવશે અને પૂજ્યશ્રીના શ્રી ઠાકોરજીના ગુણગાન ગાવા માટે સૌ તૈયાર છે। તો જરૂરથી આ કથામાં સૌને આવવા માટેનું આમંત્રણ છે। વલ્લભાધીશ કી જય। બોલ તો દિયા તમે ચાલુ હે યહાં પે શરૂઆત હોને જા રહી હે શ્રી વ્રજ કુમારજી મહોદય શ્રી श्री व्रज कुमार जी महोदय श्री की कथा 16 दिसंबर 2023 से शुरू होने वाली है टिकुवाड़ी ग्राउंड में। यहाँ पे सब वैष्णव लोग आने वाले हैं और कथा का रसपान लेने वाले हैं। हम लोगों को यह कथा आयोजन करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। हम जय के चरणों में नमन करते हैं और आप सब लोगों को आह्वान करते हैं कि आप सब आइए और कथा मृत का लाभ लीजिए। पिछले साल से इस साल क्या स्पेशल व्यवस्थाएं की गई है, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे भक्तों को इसके बारे में? ऐसा है, जो लास्ट ईयर कथा हुई थी उसमें जगह बहुत छोटी पड़ गई थी, 5 बजे तो दरवाजे द्वार सब बंद करने होते थे, तो इसीलिए रमेश भाई ने खास व्यवस्था करी है। चिकुवाड़ी ग्राउंड के अंदर बहुत बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पर श्री गिरिराज जी प्रभु गिरिराज जी का जो स्वरूप है वो पधारा है, उनके भी दर्शन के लिए लोग आएंगे। वहाँ पर बहुत सारे मनोरथ होने हैं, उनके तलेटी के अंदर बहुत सारे अलग अलग मनोरथ होंगे, तो वो सब अधिक सुविधाएं इस दफे रमेश भाई ने करवाई है। यहाँ विश्राम घाट भी बनने वाला है, उसके भी सबको दर्शन होंगे। श्री वल्लभ कुलभूषण आचार्य वैष्णवाचार्य पूज्य पाद श्री गोस्वामी श्री वल्लभ व्रज राजकुमार महोदय श्री ने सादर चरणों में परम सादर चरणों में साष्टांग नमन। ब्रज बाबा की वाणी एटली सुंदर छे ने एटली मधुर वाणी छे कि एमनी कथा एक वक्त सांभळ्या पछी एमने मने प्रेरणा थई कि हूँ भी आवी रीतना कई प्रोग्राम करूँ, पर एमां मारा साथ आप्यो मारा पतिए कि तरत जे एमने हा पाड़ी दीधी। इस बार की कथा में क्या स्पेशल आप लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं भक्तों के लिए, क्या सुविधाएं हैं, जरा उसके बारे में गाड़ी पार्किंग में बहुत भोजन की व्यवस्था भी कर रही हुई है इधर और गाड़ी पार्किंग की पूरी व्यवस्था है। कोई वैष्णव को तकलीफ नहीं होगी, कोई भी वैष्णव को कुछ भी तकलीफ नहीं पड़ेगी।
प्रसाद गोस्वामी 108 श्री ब्रजराज कुमार जी महोदय श्री ना चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। VYO वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन ना प्रेरणा स्तोत्र अने फाउंडर एवा पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री ब्रजराज कुमार जी महोदय श्री छे। तेमनी वाणी खूब अद्भुत छे अने एने सांभळ्या ज करिए एटला एना मधुर भाव अने एनी दिलनी जे उमळपो छे श्रीनाथ जी भगवान प्रत्येनी जे एमनी खूब ज भक्ति अने जे एनी बोलवा माटे ज्यारे ए धुन पण बोलता होय छे त्यारे एना आँखमांथी अश्रु बहार आवी जाय छे एटलू खूब दिलथी ए पोकार करे छे શ્રીજી બાવાને। તે ઉપરાંત આ વખતે અમે હજુ તો લાસ્ટ જાન્યુઆરી મહિનામાં જ કથા કરી હતી કે જે શ્રીમદ ભાગવત ચરિત્રામૃત કથા હતી અને આ વખતે શ્રીનાથ ચરિત્રામૃત કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તેના અંદર ભક્તોને માટે અસંખ્ય સુવિધાઓ છે, જેમ કે ગ્રાઉન્ડ અમે ખૂબ મોટું લીધું છે। આ વખતે રમેશભાઈ જે ગાંધાર પરિવારમાંથી છે એમણે દિલથી ખૂબ સુંદર રીતે બધી વ્યવસ્થા કરી છે અને એમાં આપણે કોઈ પણ વૈષ્ણવને અસુવિધા ન થાય તે માટેની પૂરેપૂરી કાળજી રાખીશું। એમને ભોજન પ્રસાદીની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે ગાંધાર પરિવાર તરફથી। એટલે આ વખતે જે કથા છે એ 14 વર્ષ પછી બોરીવલીમાં થઈ રહી છે। આજથી 14 વર્ષ પહેલાં આ કથાનું અહીંયા આયોજન થયું હતું અને ત્યારે વૈષ્ણવોનો ખૂબ પ્રતિસાદ મળ્યો હતો અને ત્યારબાદ વૈષ્ણવોની આ જે હતી ડિમાન્ડ ઇતને સાલો સે વો લોગ બોલ રહે થે કે અભી યે કથા હોની ચાહીએ, તો હમે પરિવાર મિલ ગયા મનોરથી પરિવાર ઓર પ્રેરણા શ્રીનાથજીને હી કિયા સુનીતા બહેન કો ઓર સુનીતા બહેનને અપને હસબન્ડ સે બાત કી ઓર ઉસને ભી તુરંત ઉસકે પત્ની કો હા મેં હા કર દી ઓર યે પૂરા આયોજન અભી હો રહા હૈ। આપ દેખીએ ખૂબ તડામાર તૈયારીયા હો રહી હૈ, આપ દેખ સકતે હો કે ઇધર કરીબન 150 સે 200 આદમી કામ કર રહે હૈ। ઇધર હમ 100 ફૂટ બ્રોડ એન્ડ 20 ફૂટ હાઇટ મેં ગિરિરાજજી સિદ્ધ કર રહે હૈ। ગિરિરાજજી કી તલેટી મેં વિશ્રામ ઘાટ રમણ રેતી સિદ્ધ હોગા, ઉસમે બેઠક જી જો મુખ્ય મુખ્ય હૈ વ્રજ કી વો ભી હમ સિદ્ધ કરેંગે ઓર પૂરે વૈષ્ણવ ભક્ત ઉસમે પરિક્રમા કા લાભ ભી લે સકતે હૈ, એસી સુવિધા હમ કર રહે હૈ। તો સબ વૈષ્ણવ કો વ્રજ પરિક્રમા કરને કા લાભ ભી મિલેગા। જય શ્રી કૃષ્ણ। પૂજ્યપાદ ગૌસ્વામી 108 શ્રી વ્રજરાજ કુમારના મહાદેવના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ। ये कथा पहले 2009-10 में हुई थी, श्रीनाथ चरितमृत कथा, और बहुत ही कथा पॉपुलर हुई थी। उसके बाद आज 14 साल के बाद कथा के मुख्य मनोरथी गांधार फैमिली श्री रमेश भाई पारेख सुनीता बेन पारेख ने ये कथा का पूरा मनोरथ का पढ़ लिया और ये कथा यहाँ पर अभी रखी गई है। ये कथा बहुत ही आयोजन एकदम बहुत ही परफेक्ट के साथ हम लोगों ने मेहनत करके की है। मैं बॉम्बे के VYO का प्रमुख हूँ, हमारी पूरी टीम ने ये मेहनत की है यहाँ पर, और पूरी कथा के लिए बहुत पब्लिक को एकदम सुविधा मिले, शांति से कथा का रसपान ले और दर्शन करे। टाइमिंग क्या से क्या रखा है आप लोग? टाइमिंग 3 से 6:30 बजे का रखा है, उसके बाद दर्शन खुलेंगे। और यहाँ गिरिराज जी पर्वत इतने 100 फुट के बड़े पर्वत है, उनका पूरा परिक्रमा, उनके ऊपर पूरे गिरिराज जी का झांकी, सब लोग को दर्शन होएंगे और रोज नए नए दर्शन मिलेंगे। और बहुत ही ऑर्गेनाइज के साथ सुविधा में काम किया गया है ये, और मनोरथी का भी बहुत ही उत्साह है कि भाई ये कथा लोग पूरा रसपान करें और सबको आनंद मिले और एक भाव सबके मन में जागे, वही उनका एक ध्येय है, उसके लिए ही ये सब किया है। और उन लोगों ने भी यहाँ पर पूरा कथा में भोजन का भी रखा है, प्रसादी का, जो एक नॉमिनल टोकन में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, तो सब उनका भी लाभ ले ये उनकी भावना है। तो
उनकी जो जो भावना है वो बहुत ही अपने दिल से उनपे निकाली है, तो उनका भी बहुत दिल से हम लोग पूरी विवायोग की टीम उनका धन्यवाद करते हैं। जय श्री कृष्ण। यहाँ पे जो कथा होने जा रही है, वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे गुरु जी है श्री वल्लभाचार्य जी है, जो हमारे प्रेरक है, प्रेरक दाता है, जो यंग ब्लड के लिए और जो यंग पूरा समाज है उसके लिए भी इतना कार्य करते हैं, और यहाँ पे जो हमारा कथा अमृत होने वाला है उसके लिए बहुत बड़ा मनोरथ होने जा रहा है। और सब लोगों ने जो हम यहाँ पे बताया, जो कथा जो होने वाली है वो श्रीनाथ जी चरित्र के ऊपर होने वाली है, तो बहुत कम चरित्र के ऊपर, श्रीनाथ जी के चरित्र के ऊपर कम जानकारी होती है, तो जानकारी यहाँ पे मिलेगी और सभी वैष्णव समाज को उसका लाभ मिलेगा। और यहाँ पे जो अलौकिक और अद्भुत जो मनोरथ होने वाले हैं उसकी मैं बात में आपको बताऊंगा। तो टोटल यहाँ पे जो मनोरथ होने वाले हैं वो डेट वाइज होने वाले हैं, मतलब 16 तारीख को जो मनोरथ होने वाला है वो शतशृंगी श्री गिरिराज प्रागट्य एवं महात्म्य का एक बहुत अद्भुत मनोरथ होगा, जिसमें श्रीनाथ जी भगवान के पूरे चरित्र और यहाँ पे पूरा प्रागट्य दिखाया जाएगा। सेकंड मनोरथ है 17 तारीख को है श्री गोवर्धन लीला और श्रीनाथ प्रागट्य। 18 तारीख को है श्रीनाथ जी श्री महाप्रभु जी प्रथम मिलन, और 19 तारीख को है श्रीनाथ पाठोत्सव, 20 तारीख को श्रीनाथ सतधारा पाठोत्सव और होली उत्सव भी उसको बोलते हैं जो 20 तारीख को होने वाला है, 21 रासोत्सव एंड 22 तारीख को पूर्णाहुति और दीपदान मनोरथ होने वाला है, और 20 और 20 तारीख को फाल्गुनी पाठक आने वाले हैं, और श्रीनाथ जी के जो भजन जो उनके सुर से सुनने मिलेंगे वो अद्भुत रहेंगे, और तभी रास गरबा हम लोग यहाँ पे खेलेंगे। तो श्रीनाथ जी और यमुना महारानी और महाप्रभु जी के साक्षात दर्शन होने जा रहे हैं। वल्लभाचार्य जो आ रहे हैं उनकी जो महत्तम है वो बहुत है, जो पंचामृत सेवा से लेके वो जो सेवा करते हैं उनका छाया बिन अच्छा बता पाएंगे, जो पंचामृत सेवा रहती है और जो हमारा कृष्ण संस्कार वर्ड राजकोट में बनने जा रहा है, तो बहुत सारे उनके अचीवमेंट्स हैं जो हमको यहाँ पे लाइव मिलेंगे और उनकी सेवा का मौका मिलेगा। और यहाँ पे व्यसन मुक्ति से लेके यंग ब्लड के लिए और पूरे समाज के लिए सब समाज सेवा का काम होगा। थैंक यू। अच्छा अभी